presenting to you the DVD print, Bum Bum Bole. This film got over so quickly. Like, it didn't even come to movie. It got over. It started around in October somewhere and got over in November. I was happy that in this movie the whole family is being seen. मैं बहुत ही excited हूँ क्योंकि आज मेरी फिल्म की सेकेंड फिल्म की DVD लॉन्च है और इट्स अ वेरी बहुत ही इट्स अ फिल्म ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर और वो दिखाता है कि वो कितनी अपनी बहन से प्यार करता है हाउ मच ही केयर्स फॉर हिज फैमिली और वो कितना अपने मॉम डैड की हेल्प करते रहता है और वो अपनी सिस्टर को स्माइल करते हुए देखने के लिए कहीं तक भी आ सकता है कौन सी भी लेवल बहुत अच्छा था और हम लोग वहाँ बहुत मस्ती करते थे मुझे कोल्ड हो गया था ऊटी में क्योंकि बहुत ठंडी होती थी वहाँ पे तो तभी प्रियम सर मेरे बाजू के रूम का प्रियम सर ही थे उधर तो तभी मुझे कॉफ एंड कोल्ड पूरी रात होता था तो मुझे लगा कि मैं सो ही नहीं पाऊँगा ये रात तो प्रियम जी ने फिर हम लोग दूसरे दिन सेट्स पे गए तो तभी भी कॉफ़ी हो रहा था मुझे तो फिर प्रियम सर ने मुझे एक दवाई दी तो सिंगापुर से लाई और उन्होंने वो अपने चिल्ड्रन को ही देते थे वो तो उन्होंने मुझे दी और नेक्स्ट दिन तक मैं क्योर हो गया बहुत अच्छा था मूवी बहुत फास्ट रिलीज हो गई बहुत सारा शॉट्स था बट बहुत फास्ट रिलीज हो गई मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरा फैमिली शो किया इस मूवी में अभी तक तो आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ कंट्री आया आई थिंक एक्चुअली तो जब वो आएंगे तब मैं उन्हें ये भी ज़रूर बम बोले दिखाऊंगा जब ब्रेक होता है मैं खाना खाती हूँ और फिर प्रियंसा थोड़ा और टाइम देते हैं तो हम लोग उस टाइम लेसन करते हैं मेरी स्टडीज़ में शूट पे लेके जाता हूँ मेरे बुक्स और सब कुछ और मेरे टीचर भी आते हैं सेट्स पे मिस बाबरो और वो मुझे टेक्स के बीच बीच में प्रियम सर भी मुझे हेल्प करते थे कि वो मुझे बीच में टाइम देते थे कि मैं पढ़ाई भी कर सकूँ और टेक्स के बीच में चल चुके हुए गेम्स भी खेलता था एक्चुअली इट वॉज माइंड माई डैड्स माई मॉम्स एवरी वंस जॉइंट डिसीजन टू डू दिस बिकॉज एक दिन अचानक मेरे डैड शोड मी चिल्ड्रन ऑफ हेवन और आई लव द फिल्म मतलब बहुत ही डिफरेंट और क्यूट सी फिल्म थी तो मैंने कहा कि मेरे मन में सोचा था काश इसका कुछ हिंदी वर्जन होता तो मैं कर पाता तो उसके बाद ही रूम में जाके मुझे बाबा बोले कि बम्बम बोले ना कि एक फिल्म है और क्या है ये फिल्म तो मैंने बोला कि जो अभी मूवी देखी उसकी रीमेक है ऑफिशियल रीमेक है तो तभी मैं बहुत ही खुश था और वैसे हम लोग ने ग्रेजुअली शूटिंग चालू की आई लाइक ऋतिक उसका डांस बहुत अच्छा है उसकी बॉडी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है एंड ही हैज़ वेरी गुड एक्टिंग स्किल्स मेरी एक्टिंग पसंद आई तारे जमीन पर मैं आई थिंक दे शुड बाय एटलीस्ट द DVD एंड सी द फिल्म